तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आप लोग के मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे अल्लाह के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के मिलती रहेगी। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है, वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। शहसाल मगासमी है, वो कहते हैं कि उनका ऑपरेशन हुआ, हार्ट सर्जरी हुई और उनके ना हार्ट ब्लॉकेज थे, बहुत सारी आर्टरीज ब्लॉक थी और स्टंट्स डले हुए थे, तो बहुत इश्यूज था उनके उसमें। तो वो कहते हैं कि इट वॉज अ लेंथी ऑपरेशन। कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान था, डॉक्टर्स ने मेरा ऑपरेशन किया, सक्सेसफुल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, टांगे लगा दिए, मैं उठा तो आई वॉज रिलैक्स्ड। लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टर्स दोबारा आने शुरू हो गए और जो साथ मशीन थी उनमें ना पी 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 कुछ होने शुरू हो गया, और एक डॉक्टर आ रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये अरब के बहुत बड़े दाई हैं, शेख सालम गासमी अभी भी जिंदा हैं रहमहुल्लाह। तो डॉक्टर्स आए और वो कहते हैं मैं अब तो बहुत परेशान हो गया कि अब क्या हो रहा है। तो उन्होंने उनकी शक्ल पे ना परेशानी देखी, मैं मज़ीद परेशान हो गया। तो उन्होंने कहा कि आपके जो ब्लॉकेज थे ना, वो समथिंग हैपन कि बहुत ज़्यादा ना ब्लॉक हो गया, एंड वी हैव टू री ऑपरेट यू अगेन, तो हमें दोबारा खोल के सर्जरी करनी पड़ेगी। कहते हैं कि पहले सर्जरी में तो आई वॉज अ बिट रिलैक्स, लेकिन इस दफ़ा मैं बहुत परेशान हो गया। तो वो लोग जब गए अपनी इक्विपमेंट्स लेने के लिए और अपने चीज़ें लेने के लिए, तो कहते हैं आई वॉज रियली वर्ड। कहते हैं कि मेरे साथ एक ना आई थिंक लेबनानी नर्स खड़ी हुई थी, वो मुझे कहती है कि या सालेह सल्ले अला मुहम्मद, ऐ सालेह अल्लाह के नबी पे दुरूद पढ़ो। और कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी दुरूद पढ़ना शुरू हो गया इस यकीन के साथ कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम मुझ पर दुरूद पढ़ोगे तुम्हारे सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और तुम्हारी सारी मुश्किलात का हल निकल आएगा। तो कहते हैं कि मैं दुरूद पढ़ना शुरू हो गया, हत्ता कि जब डॉक्टर्स आए और दोबारा उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें अटैच की, तो दे वर कन्फ्यूज एंड सरप्राइज्ड। और जब मैंने पूछा कि ये क्या हुआ है, कहते हैं कि जो रिपोर्ट्स अभी आ रही थी कि ब्लड दोबारा जो है ना ब्लॉकेजेस आ गई हैं, दे आर ऑल रिमूव्ड, दे आर ऑल गॉन। और कहते हैं कि मुझे उस दिन अल्लाह के नबी पर दुरूद पढ़ने की फजीलत समझ में आई कि कितना अफजल है ये जिक्र, अल्लाह के नबी पर दुरूद पढ़ना, सुभान अल्लाह। तो अपनी अपनी ज़िंदगी को ना कसरत से, जब भी फ्री टाइम है ना, दुरूद कसरत से पढ़ा करें, अस्तगफार कसरत से पढ़ा करें। एक सहाबी आया और कहा या रसूलल्लाह निजात का रास्ता बताएं, निजात किस में है? फरमाया ला यज़ालु लिसानुका रतबम मिन ज़िक्रिल्लाह, अपनी जबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखो, इसमें निजात है। अपनी उक़बा बिन आमिर, अपनी जबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखो। फरमाया तूबा लिमन वजद फी सहीफती इस्तिग़फारन कसीरा, ग्लैड टाइडिंग्स टू द वन हु फाउंड इस्तिग़फार इन हिज बुक विद अबंडेंस। खुशखबरी हो उस बंदे को कि जो क़यामत के दिन आया और उसने अपने आमाल नामे में कसरत से इस्तग़फार को देखा, सुभान अल्लाह। इमाम अहमद बिन हम्बल सफ़र कर रहे थे, बड़ा फेमस वाकया है, सफ़र कर रहे थे, रात लेट हो गई, मस्जिद में इजाज़त है कि मैं रात यहाँ रह लूँ, तो उन्होंने कहा नहीं आप यहाँ रात नहीं रह सकते। तो एक नान बनाने वाला गुजर रहा था, तो उन्होंने कहा आप क्यों बुजुर्ग को तंग करें, बुजुर्ग आप मेरे पास आए बाबा जी, मेरे घर रह लें। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो जब घर लेके गया तो वो रात को नान, वो तो आटा गूंदता था, आटा गूंद रहा और कहता है अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह बैठे हुए हैं, कहती है आपको इस जिक्र ने कभी जिंदगी में फायदा भी पहुंचाया है? तो उन्होंने कहा आपको मैं क्या बताऊं, अब आपने पूछ ही लिया है, पहले मैं गरीब था, फकीर था, जब से मैं जिक्र ये करना शुरू हुआ हूँ माल इतना है कि संभाला नहीं जाता मुझसे, और हर दुआ मेरी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल की है, बस एक दुआ जो रह गई है। कहते हैं वो क्या? कहते हैं सुना है कि इमाम अहमद बिन हम्बल बड़े इमाम हैं, उनसे मुलाकात का शौक है, वो आज तक कबूल नहीं हुई। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि वक़द जुरेड तू इलाही का जर्रा, ऐसे लगता है कि मुझे आपके पास घसीट के लाया गया है आपसे मुलाकात करवाने के लिए, मैं हूँ इमाम अहमद बिन हम्बल। ये है तौबा इस्तग़फ़ार के फायदे, ये तौबा इस्तग़फ़ार, कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ा करें ज़िंदगी में। अल्लाह के नबी अपनी एक महफिल में, एक सेटिंग में 70 से 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ा करते थे एक सेटिंग में, और कसरत से दुरूद पढ़ें, कसरत से दुरूद पढ़ा करें। तो
फ्रेंड्स वीडियो समाप्त। तो कितना अच्छा लगा इनका सुन के वाकया कि अल्लाह ताला के बारे में बताएं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा सच्ची में। कोई कुछ सुकून शांति मिलती है सुनने से, अपने जो हमारे शरीर होती है, जो हमारा रूह होता है, कितना शांति फील करता है। तो इस अल्लाह ताला की इबादत में लगे रहिए, उनको पुकारिए, अच्छा फील करिए कि हमारा अल्लाह ताला हमारे पास है, हमारे साथ है। तो यही बात है, गुनाह करने की कोशिश मत कीजिएगा। किसी हर किसी को बोल रही हूँ ऐसा ही करना चाहिए, हमेशा उनका इबादत में लगा रहना चाहिए। तो मतलब इसमें वो बताए हैं, कहानी बताए हैं कि मतलब यही है, अच्छे से बनाए हैं अल्लाह ताला जो शरीर बनाए हैं, तो उसको अच्छे से यूज कीजिए, अच्छे तरीके से रहिए, अच्छे तरीके से उनकी इबादत में लगे रहिए। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, हर एक मतलब देखते हैं कोई भी चीज़ तो उससे क्या होती है ना, सीख मिलती है जीने के। इंसान कोशिश करता है अच्छा बनने की कोशिश करता है। एक बात ज़रूर है कि कभी भी बुरा मत कीजिएगा, हमेशा अच्छाई करना चाहिए। बुराई करने से क्या होता है, पूरे जीवन जिंदगी नरक बन जाती है। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा वीडियो तो आप लोग के भी समझ में आएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स।